की बात। बच्चे, तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूर्ण होने वाली है मेरे बच्चे, जल्द ही पूर्ण होगी मेरे बच्चे। बस अपने साईं का हाथ कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो छूट गया है ना या छोड़ गया है मेरे बच्चे, उसके लिए अफसोस नहीं, आने वाले का स्वागत करो मेरे बच्चे। क्योंकि किसी भी नई चीज़ को ना स्थान की ज़रूरत होती है। जब कोई पुरानी चीज़ जाएगी तभी तो नई चीज़ के लिए स्थान बनेगा ना मेरे बच्चे। तो बस वही नया स्थान मैंने बनाया है तुम्हारी ज़िंदगी में। जो गया है ना उसके लिए अफसोस मत करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि तुम बेहतर नहीं बेहतरीन चाहते हो, और तुम्हें वही मिलेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारा साईं तुम्हें देगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना जिनका बहुत कुछ मन करता है लेने का, करने का, खरीदने का। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा मेरे बच्चे कि आने वाले वक्त में तुम जो चाहोगे तुम खरीद पाओगे मेरे बच्चे। तुम अपने शौक, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे मेरे बच्चे, अपनी मर्जी से करोगे। थोड़ा धैर्य रखो। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे सुबह उठकर मेरी काकड़ आरती में शामिल होते हैं, मेरी मंगल आरती करते हैं, उससे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है मेरे बच्चे। जब पूरा जग सोता है, पूरी दुनिया सोती है, तब तुम मेरा आशीर्वाद ले रहे होते हो मेरे बच्चे मेरी काकड़ आरती में। क्योंकि मैं दोनों हाथ फैलाकर, अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने बच्चों को देता हूँ मेरे बच्चे। और उनमें से कुछ चंद बच्चे ही होते हैं जो मेरी कृपा प्राप्त कर पाते हैं। हर कोई नहीं कर पाता मेरे बच्चे, हर कोई नहीं कर पाता। और तुम वो भाग्यशाली हो मेरे बच्चे जो तुम मेरी कृपा प्राप्त कर पाते हो मेरे बच्चे। सीधा मुझसे बात कर पाते हो, तुम मेरे करीब हो, तुम मेरे संदेश सुन पाते हो, अपनी बातों को मुझसे कह पाते हो। मैं वो जरिया बनाता हूँ मेरे बच्चे तुझ तक पहुँचने का, कि मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे सकूँ, तेरी बातों को सुन सकूँ, तुझसे कह सकूँ, तुझे समझा सकूँ मेरे बच्चे। और मैं वो करता हूँ, और तू समझता भी है मेरे बच्चे। और जो चीज़ नहीं समझता ना तो मुझसे आकर पूछ लिया कर, किसी और से मत पूछा कर, सीधा मेरे पास आया कर, मुझसे पूछा कर, मैं तुझे जवाब दूंगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरी जो मंजिल है ना वो तुझे पानी है, और उसके लिए तुम्हें जी जान लगाकर मेरे बच्चे मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे। और तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुँच जाओगे जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जो कच्चे कान के हैं, उन्हें हर बात अपने मन की मत बताया करो, अपने दिल की मत बताया करो मेरे बच्चे। क्योंकि उनके पेट में ना बात नहीं रुकती, वो आगे जाकर तुम्हारी बात को कह देते हैं, जो आगे चलकर तुम्हारे लिए परेशानी या नुकसानदायक हो सकता है मेरे बच्चे। तो थोड़ा संभल कर, अगर बात कहनी है तो मुझसे कहो ना, अपने साईं से कहो, मैं हूं ना, मैं सुनूंगा तुम्हारी सारी बातें मेरे बच्चे। और सुनो, तुम घर चाहते हो ना तो घर तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। लेकिन सावधान रहना ढोंगी लोगों से मेरे बच्चे। बहुत लोग होंगे मेरे बच्चे जो तुम्हें घर दिलवाने के लिए उल्टे सीधी जगह ले जाएंगे, बताएंगे, लेकिन तुम वहां मत जाना मेरे बच्चे। मेरा ही कोई बच्चा होगा जो तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हें घर दिलवाने में मदद करेगा मेरे बच्चे। बस वहीं से लेना, वही सही रास्ता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना कि वो नीम के पेड़ को प्रणाम करते हैं। जब भी नीम के पेड़ के आगे से गुजरते हैं ना तो वहीं से वो मुझे प्रणाम करते हैं। और जानते हो, शीढ़ी में बैठे बैठे मैं उस नमस्कार को कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। जो भी मेरा बच्चा नीम के पेड़ को प्रणाम करता है ना, वो सीधा मुझ तक पहुँच जाता है मेरे बच्चे। मैं सीधा उसे स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। तेरा पहुँचाया हुआ नमस्कार सीधा मेरे चरणों में आता है मेरे बच्चे। और सुन, जो सिक्का तुम्हें मिला था ना मेरे जरिए, उस सिक्के को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, अपने पर्स में मेरे बच्चे। वो तुम्हें बरकत देगा मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी मेरे बच्चे, बहुत बरकत होगी। और सुन मेरे बच्चे, देरी हुई है, तुम मानते हो ना इस बात को, मुझे मानने में, मुझे समझने में तुम्हें देरी हुई है मेरे बच्चे। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए मेरे बच्चे। अपने साईं के पास आ ही गए तुम आखिर, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अब जब तुम आ ही गए हो
तो उस अंधेरे से मैं तुम्हें निकालूंगा मेरे बच्चे। तुम अहंकार में फंस गए थे, तुम जंजालों में फंस गए थे, लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और अब तुम अपने साई के चरणों में आ चुके हो मेरे बच्चे। अब सब कुछ मैं देखूंगा और मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। चिंता मत करना, अब तुम सही जगह पर आए हो, सही मार्ग पर आए हो मेरे बच्चे। अब मैं तेरी मदद करूंगा मेरे बच्चे। जहां भी तू अटकेगा या परेशान होगा ना, वहां पर मैं आऊंगा मेरे बच्चे, तेरे साथ आऊंगा। और सुनो, तुम्हें चिंता है ना कि घर का किराया तुम कैसे दोगे? तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा बाबा है, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारे घर का किराया, तुम्हारे बिजली का, सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे, सब हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और जितना भी कर्जा है ना तुम पर, तुम कर्जा मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। बस रोज अपने साईं को ध्याते रहो मेरे बच्चे, अपने साईं का ध्यान करते रहो, तुम्हारा कर्जा कैसे तुम मुक्त हो जाओगे ना, कैसे सबसे छुटकारा पालोगे, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारे कर्जों से ऐसी छुटकारा प्राप्त होगा ना, ऐसी मुक्ति होगी ना मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। और वो दिन भी बहुत जल्द आएगा मेरे बच्चे, जब तुम कर्जा मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। और कुछ लोग हैं मेरे बच्चे जो थोड़े बदतमीज हैं, जो तुम्हें कर्जे के लिए बहुत परेशान करते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरे व्रत रखना शुरू करो, इस गुरुवार से मेरे व्रत रखना शुरू करना मेरे बच्चे। जो तुम्हें लोग तंग करते हैं ना, परेशान करते हैं, वो परेशान करना बंद कर देंगे मेरे बच्चे, मैं उनका मन ही बदल दूंगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, देखना तुम। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे साई संध्या कराना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी स्वीकृति है, जाओ मेरे बच्चे कराओ, तुम्हारे घर के भंडारे भरेंगे मेरे बच्चे, जाओ और कराना मेरे बच्चे। मैं खुद स्वयं आऊंगा वहां पर, खुद आऊंगा, स्वयं आऊंगा, वहां विराजित होऊंगा मेरे बच्चे, जरूर आऊंगा। और तुमसे कह देता हूँ, जब मैं आऊंगा ना, तो तीन लोगों के साथ में आऊंगा मेरे बच्चे, मेरे साथ दो लोग और होंगे। अब तुम पहचान लेना कि तुम्हारा साईं कैसे आएगा। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, कैसे भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी चौखट पर आऊंगा, जरूर आऊंगा मेरे बच्चे, जरूर आऊंगा। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कर रखा है, किसी ने तुम्हारे घर को बांध रखा है, तो मत सोचो मेरे बच्चे, इन सब नकारात्मक चीजों से दूर हो जाओ और रोज एक काम किया करो, पूजा करते वक्त उदी जल मेरे पास रखकर अपने पूरे घर में छिड़का करो मेरे बच्चे, पूरे घर में छिड़का करो, देखना कोई काला जादू, कोई बुरी नजर तुम्हें छू भी नहीं पाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है ना, अगर तो जरूरतमंदों की सेवा करो मेरे बच्चे, किसी की आत्मा को तृप्त करो। अगर सच में तुम मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो कोशिश करो कि तुम्हारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे मेरे बच्चे, तो वो सीधा मुझ तक पहुंचता है। अगर तुम किसी की आत्मा को तृप्त करते हो ना, तो वो सीधा मुझ तक पहुंचती है मेरे बच्चे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम किसी कमजोर को, असहाय को, जरूरतमंद का अगर तुम पेट भरोगे ना मेरे बच्चे, तो सीधा वो तुम्हारे साईं तक आएगा। अगर तुम सच में मेरी सेवा करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो कोशिश करो मेरे बच्चे कि कोई भूखा ना रहे, तुम्हारे आसपास कोई भूखा ना रहे मेरे बच्चे, कोशिश करो। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।